विजयदशमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के पुतलों का निर्माण अधिकतर कौन लोग करते हैं? चलिए हम बताते हैं। अलग अलग जगहों पर लगने वाले दशहरे मेले में रावण के पुतलों का निर्माण अधिकतर मुसलमान करते हैं और इसी के साथ ही दशहरा मेला हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल पेश करता है। देखिए डोईवाला से रिपोर्ट। मैं आरती वर्मा एन भारत से और आज मैं पहुंची हूं दशहरा मेला ग्राउंड। जी हाँ, ये वही दशहरा मेला ग्राउंड है जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से मेला देखने आते हैं। काफ़ी विशाल मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और काफ़ी सालों से यहाँ पे ये मेला लगता आ रहा है। और इस वक्त मैं आपको मिलवाने चलूँगी उस इंसान से जो यहाँ पर हर साल इस रावण को बनाते हैं और अपनी कलाकारी को दिखाते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका नाम क्या है सर? गुड्डू खान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गुड्डू खान इनका नाम है। बहुत अलग लगा होगा आप लोगों को सुनने में, लेकिन ये वही इंसान है जिन्होंने एक मिसाल कायम करी है उन लोगों के लिए जो हिंदू मुसलमान को लेकर भेदभाव करते हैं और काफ़ी सालों से ये करते हैं। आगे की बात इन्हीं से करते हैं। जी बताइए अपने बारे में सर, कब से आप कर रहे हैं? 2001 से बना रहे हैं। और आपके फैमिली में, बैकग्राउंड में यही काम करते थे? यही काम करते थे। अच्छा, कैसा लगता है सर आपको बनाने में? ठीक है, अपना काम करते। अच्छा, किसी ने ऑब्जेक्शन करा कभी? कभी जैसा कि आपने देखा होगा फरमानी के गाने को लेकर के हर हर शंभू पे मौलाना लोगों ने कितना ऑब्जेक्शन करा, काफ़ी लोगों ने उसको परेशान किया कि क्यों बनाया ये गाना, लेकिन हमारे खान साहब कह रहे हैं इनके ऊपर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। कभी फैमिली वालों ने नहीं रोका आपको? कितना साल हो गया सर आपको करते हुए? 2001 से आप यहीं पे बना रहे हैं? जैसे ये दशहरा मेला हिंदू मुस्लिमों को एक करता है, उसी तरीके से इस विजयदशमी पर एन भारत भी ये कामना करता है कि पूरे देश में तमाम धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। डोईवाला से आरती वर्मा, टीम एन भारत।